मित्रों आज पराक्रम दिवस, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन और उसमें भी 125वां जन्मदिन, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि आज से हमेशा के लिए यह देश 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा और नेताजी के पराक्रम को हमेशा कृतज्ञ भाव से श्रद्धांजलि देगा। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि आज के ही दिन अपने पराक्रम से, पराक्रम की पराकाष्ठा से देश की सीमाओं को जो सुरक्षित रखते हैं, जिनके बलिदान और परिश्रम के और पराक्रम के कारण देश चैन की नींद सो पाता है, देश की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई का सामना नहीं रहता, हमेशा अपना तिरंगा गगन के अंदर शाम के साथ लहराता है, हमारा सार्वभौमत्व, हमारी संप्रभुता, इसकी रक्षा होती है। ये सभी सीएपीएफ के पराक्रमी जवानों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए आज से एक नई योजना शुरू हो रही है, इसका भी मुझे बहुत आनंद है। मुझे बहुत आनंद है इस भाग के मंत्री के नाते कि जो जवान देश की अहर्निश चिंता करते हैं, सुरक्षा करते हैं और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए क्षण भर भी नहीं झिझकते, -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में 45 डिग्री टेम्परेचर तक मोर्चा संभाल कर डट कर रहते हैं, कोई भी चुनौती हो उसका सामना करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो या सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, सीएपीएफ ने जवानों ने एक उज्जवल इतिहास की निर्मिति ये देश के आजाद होने के बाद प्रस्तुत की है और पूरा देश आप लोगों को सम्मान के साथ देख रहा है। आपके वीरता, आपके समर्पण और आपके बलिदानों को सैल्यूट करता है। मित्रों जब मैं गृह मंत्रालय का प्रभार संभाला तब सभी सीएपीएफ के लगभग 150-150 जवानों के साथ चर्चा भी की थी, उनके साथ भोजन भी किया था। उसमें कुल मिलाकर 3 बातें उभर कर आती थी जो उनके चेहरे पर दर्द की लकीर दिखाती थी। वो दर्द उनको कभी अपनी ड्यूटी करने के लिए बाधित नहीं करता, मगर एक हृदय में से टीस निकलती थी। एक तो उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो योजना है वो पूर्ण योजना नहीं, इनके रीइंबर्समेंट के लिए, अस्पतालों के अंदर जगह की उपलब्धता के लिए और कई जगह अस्पताल न होने के कारण उनके परिवारजनों को उनको बहुत दिक्कतें आती थी। दूसरा, हाउसिंग का सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत नीचे है, वो असम राइफल की एक राइफल वुमेन ने जब कहा तब मुझे भी लगा, मैंने जाकर मंत्रालय में जांच करी तो 7 अर्थ में सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत नीचे था। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जगह जल्दी भरी नहीं जाती, रिक्रूटमेंट समय पर नहीं होता, इसलिए हमें पूरा साल लगभग ड्यूटी पे तैनात रहना पड़ता है, हम हमारे परिवार के साथ नहीं रह सकते, इससे परिवार में भी तनाव बढ़ता है, इसमें हमारा भी मानसिक तनाव बढ़ता है, ड्यूटी करने में दिक्कत आती है। और जब ये बात वो बता रहे थे तो वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत उकसा कर उनको पूछना पड़ता था तब जाकर वो बोल रहे थे। ये तीनों बातों को भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सुधारने का निर्णय उसी दिन कर दिया था जब जवानों के साथ मेरा संवाद हो रहा था।
क्योंकि मैं मानता हूं कि जो जवान सरहद पर सीमा पर अपना सर्वोच्च और नौछावर करता है, कम से कम उसको उसके परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए। वो हम सब की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके परिवार की ओर से वो निश्चिंत होकर मां भारती की सेवा में वहां डटे रहे। मित्रों, सेटिस्फेक्शन रेशियो के लिए हमने बहुत बड़ा अभियान उठाया है। आज मैं इतना कह सकता हूं कि सेटिस्फेक्शन रेशियो डेढ़ साल पहले लगभग 36% था और 2022 जब 75वीं साल आएगी आजादी की, उस वक्त इसको हम 55% तक पहुंचाने का काम करेंगे। 55% सीएपीएफ के जवानों के लिए रहने को लगाने और 25,000 भवन अभी निर्माणाधीन। अच्छा, टोकन उसका कुछ भवनों का लोकार्पण भी हुआ है। और मैं मानता हूं कि आपके हेडक्वार्टर पर ही अगर रहने की व्यवस्था होती है तो जब आप हेडक्वार्टर पर वापिस आते हो तब परिवार के साथ रहते। और इस सेटिस्फेक्शन रेशियो को धीरे धीरे 65% से ज्यादा ले जाना इसका लक्ष्य हमने रखा है और 2024 के पहले इसको हम निश्चित रूप से 65% से ज्यादा बढ़ाकर आपकी ढेर सारी दिक्कतों का समाधान ढूंढ लेंगे। हम ये भी योजना बना रहे हैं कि हर जवान कम से कम 100 दिन साल में अपने परिवार के साथ, 100 दिन जिसमें हेडक्वार्टर पर रहोगे वो दिन भी पूरे। अगर आप आपके परिवार के साथ रह सको इस प्रकार का आयोजन करेंगे। अभी कल ही एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है, 50,000 से ज्यादा जवान अब नौकरी के अंदर जुड़ जाएंगे और 50,000 जोड़ने की तैयारी हमने साइमल्टेनियसली चालू कर दी है। और अब प्लानिंग कर रहे हैं कि 5 साल की भर्ती का जो रिटायरमेंट का चक्र होता है उससे पूरा प्लानिंग कर एक जवान जाएगा, शायद उसी दिन दूसरा जवान इसको रिप्लेस करेगा, ट्रेनिंग के साथ वो तैयार होगा। इस प्रकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में है, तभी यह संभव कि 100 दिन आप आपके परिवार के साथ रह पाओ, तभी यह संभव है कि आपके परिवार का भी तनाव कम हो, आपका भी मानसिक तनाव कम हो और सीमा पर निश्चित होकर आप आपकी ड्यूटी कर पाओ। इस प्रकार की व्यवस्था गृह मंत्रालय बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। सभी सीएपीएफ के कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा और हर साल सीएपीएफ के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और हर तीसरे साल इनके सभी परिजनों की स्वास्थ्य की भी चिंता हम करने वाले हैं। और आपका हेल्थ कार्ड कहीं पर भी लेकर जाओगे तो आपके हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सीधी अस्पताल के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी। इसके अंदर पहले आपके या आपके परिजनों ने जहां पर इलाज कराया है वो डॉक्टर की अंतिम टिप्पणियां भी अंकित होगी, जिससे वो इसके कंटिन्यूएशन में अगर दूसरे अस्पताल में गए हो तो काम कर पाए। इस प्रकार का डिटेल प्लानिंग गृह विभाग ने सीएपीएफ कर्मचारियों के लिए किया है, सीएपीएफ के अधिकारियों के लिए किया है। और मित्रों, आज एक जो योजना हुई है इसके लिए मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फर्क इससे आने वाले दिनों में आपके स्वास्थ्य में तो पड़ेगा, आपकी क्षमताओं में भी पड़ेगा और घर पे जाओगे बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे हास्य के साथ आपका स्वागत करेंगे तो आपके मन में एक उम्दा बहुत अच्छे संतोष का भाव भी निर्मित होगा कि ये नरेंद्र मोदी सरकार मेरे परिवार की चिंता कर रही है।